तो कैसे हो बंटाई की पब्लिक। तो एमवे बंटाई और किंग की बीफ खत्म होने के बाद आप लोग एमवे बंटाई और मनिंदर भुट्टर के कोलैबोरेशन सॉन्ग का तो वेट कर ही रहे होगे। सो मनिंदर भुट्टर ने इस गाने को लेकर जो कुछ पोस्ट शेयर करी थी उसे आज 4 से 5 दिन भी हो चुके हैं, पर अभी तक इस गाने को लेकर कोई भी रिलीज डेट पता नहीं चली है। पर लास्ट बार एमवे बंटाई ने इसी पोस्ट को शेयर करते हुए बोला था कि पब्लिक गाना कब चाहिए। सो उस दिन से लेकर आज तक एमवे बंटाई ने इस गाने की रिलीज डेट नहीं बताई है। सो पहले तो मेरे को लग रहा था कि ये सॉन्ग सैटरडे यानी आज या कल संडे तक आ ही जाएगा, लेकिन अभी रात के 10 या 11 भी बज चुके हैं पर एमवे बंटाई की तरफ से इस गाने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। सो एमवे बंटाई के इस सॉन्ग के लिए हम लोग भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बिल्कुल भी वेट नहीं होता इस गाने के लिए। एमवे बंटाई को इस गाने को जल्दी से जल्दी भाई रिलीज कर देना चाहिए। बाकी कोई नहीं, पब्लिक गाना तो आ ही जाएगा, बस थोड़ा वेट करो। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो किंग वर्सेस एमवे बंटाई के बीफ में किंग के जो गाने थे वो एकदम बकवास थे, ऐसा लग रहा था कि बस किंग ने पोयम गाया हो। सो अभी मेरे पास एक फनी वीडियो आई है जिसमें एक भाई ने न्यूज रिपोर्टर बन के किंग को बहुत ही गंदा ट्रोल करा है। सो आप लोग इस वीडियो को देख लो। किंग का एक गाना आया है रिसेंट में जो एमवे बंटाई को डिस किए हैं। जी हाँ, एमवे बंटाई, मैं बता दूं ये रैप डिस ट्रैक के बहुत बड़े बादशाह है। इस मसले को देख के मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ 4 लाइन कि किंग नाम रखने से हर कोई राजा नहीं होता, बासी समोसा तेल में फ्राई करके समोसा ताजा नहीं होता, बनना है तो इंडिपेंडेंस रैपर बन, 4 गाना गा के कोई बहुत बड़ा रैपर नहीं बनता। बाकी पब्लिक होप करो एमवे बंटाई और मनिंदर भुट्टर का सॉन्ग जल्दी से जल्दी आ जाए, भाई इतना वेट नहीं होता। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।